उपनिबंधक कार्यालय में अवैध कामों की सूचना आती रहती है। इसी क्रम में आज कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरगंज प्रेमचक के रहने वाले हिमांशु श्रीवास्तव ने कार्यालय उपनिबंधक सदर बलिया में दलालों अनधिकृत कर्मचारी से मुक्ति करने हेतु डीएम बलिया से शिकायत की है। शिकायतकर्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने अपने शिकायती पत्र में जिक्र किया है कि उपनिबंधक कार्यालय सदर बलिया में दलालों और अनधिकृत कर्मचारी की संख्या में इजाफा होने की वजह से भोले भाले कबालेदारों से विभिन्न प्रकार से नजायज वसूली और शोषण किया जा रहा है और जो संपूर्ण कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में प्रतिदिन बांटा जा रहा है। डीएम बलिया से शिकायत करने वाले हिमांशु श्रीवास्तव अपने शिकायती पत्र में आगे लिखा है कि वसूली किए जाने की वजह से संपूर्ण तहसील के कबालेदारों में डर का माहौल बना हुआ है तथा कबाला लिखने से हिचकिचा रहे हैं, जिससे जनमानस का काफी नुकसान हो रहा है और सरकार की भी घोर आर्थिक क्षति हो रही है। सारा मुनाफा दलाल कमा रहे हैं। शिकायत करने वाले हिमांशु श्रीवास्तव ने शिकायती पत्र देकर गुहार लगाई है कि निबंधक कार्यालय में कार्यरत खानगी कर्मियों को वहां से तत्काल हटवाया जाए ताकि पारदर्शिता तरीके से बेनाम की कार्रवाई संपादित हो सके और कबालेदार शोषण से बच सके। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र पर जांच कर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। यूपी साख न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।